जस्ट इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो है कौन होगा चेन मेटामर्स के बाद अपन ने ऐसे ही पढ़ा है चेन आइसोमेरिस क्या है ये चेन आइसोमेरिस टू डेफिनेशन लिखने की जरूरत है ही नहीं अब आप इसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन ये तो रही इसके तो एक दो तीन चार पांच आपको चार बनानी पड़ेगी ये आपने चार की बना ली आप तीन बना सकते हो ये तीन की बना ली सही है तो कितना हुआ पांच चार तीन ये एक दूसरे के क्या है चेन आइसोमर्स है पक्का तो चेन आइसोमर्स के लिए आपको कुछ नहीं है मेन प्रिंसिपल में अगर चेन कम है और कोई दूसरी आइसोमेरिस शो नहीं हो रही है थर्ड मेटामर्स फोर फिफ्थ नंबर पे रिंग चेन सॉरी सिर्फ चेन फिर इसके बाद आएगा पोजिशन पोजिशन आइसोमेरिस क्या है पोजिशन आइसोमेरिस टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मुला ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन यानी सब जैसे ये मेरे पास ओ OH एच यहां पर है यहां आ गया तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे फंक्शनल या मेटामर्स या चेन या पोजिशन पोजिशन यहां आ गया तो पोजीशन सही है यहां आ गया कहीं पे भी, भी आया अब क्या, क्या क्या लाएंगे चेन क्योंकि चेन ही छोटी हो गई और चेन छोटे होते ही हमारे लिए क्या हो जाएगा तो ये एक दूसरे के लिए पीआई पीआई आई, पी आई और ये सी आई तब आप मुझे बस एक क्वेश्चन बता दो ये एक दूसरे के क्या है चेन या पोजीशन चेन या पोजीशन, पीआई पोजीशन आइसोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है पोजीशन आइसोमर्स सही है कोई दिक्कत ही नहीं है ये एक दूसरे के क्या है पोजीशन या कुछ और जोर से बोलो चैन क्योंकि ये ईटी में दो कार्बन है बस कुछ समझ में आया अच्छे से लिखो ये